मेरे को देना आज ही स्केच जो होम डिलीवरी करके आए हैं अभी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि सभी बढ़िया ही होंगे। ये तो कहने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कमेंट में कोई बोलेगा नहीं कि हाँ हम भी ठीक हैं, आप कैसे हो। तो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज ये है 2023 का दूसरा दिन, इनकी 2 जनवरी, और हम कल गए थे गुप्तेश्वर मंदिर। वैसे तो पहले हम नागमल मंदिर जाने वाले थे, फिर अचानक से प्लान बना कि चलो गुप्तेश्वर मंदिर चलते हैं। मतलब उनका फ़ोन आया लड़कों का, तो मैंने कहा चलो ठीक है, और इससे हम लेट हो रहे थे और नागमल मंदिर भी नहीं जा पाए, क्योंकि वो जिन मंदिर है गुप्तेश्वर वो 12 बजे बंद हो जाता है। तो आज मेरे को ये स्कूटी जो है मार्केट लेके जानी है। कल इसको मेरे ताऊ का लड़का जो है लेके आया था इमरजेंसी में यहाँ, और जो स्कूटी आई जो हमारे वहीं की, इनकी बिना में होटल है, तो मेरे को इसको लेके जाना है। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कल तो नहीं जा पाए नागमल मंदिर, आज से होके आते हैं, क्योंकि आज स्कूटी भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हुए आते हैं, जो कि काफ़ी नज़दीकी है यहीं पे। और देखो मौसम इतना पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है। वैसे धूप तो आ चुकी है, बट हाँ पूरा जो है फॉगी फॉग लगा हुआ है अभी, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं। वैसे मेरे को अभी एक चीज़ और दिखानी है, जो कि मेरे को आज देनी है किसी को, और मार्केट में मेरे और भी काम है, तो वो अभी मैं दिखाता हूँ। पहले नागमल मंदिर, मतलब मंदिर के दर्शन करके आ चुके। नागमल मंदिर यानी कि हमारे इष्ट देवता, हमारे इष्ट देवता जो है नागमल देवता हैं। तो चलिए चलते हैं। नीचे से तो आ गया हूँ, यहाँ से मैं ऊपर को, अब यहाँ से मार्केट को जाते हैं और यहाँ से जाते हैं नागमल मंदिर को, जो कि थोड़ा ही है, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, मतलब 600-700 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं। और मैंने आज ये भी लगा रखा है, क्योंकि आज स्कूटी चलानी है ना, ग्लव्स भी पहन रखे हैं, पर हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट आई पहनूंगा। और काश मेरे पास गोप्रो होता तो मैं कितने अच्छे अच्छे शॉट दिखाता आपको। एक गोप्रो तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, एक हेलमेट हो जिस पे गोप्रो का माउंट हो या फ़ोन का माउंट हो, बट कोई नहीं, चलिए चलते हैं फिर नागमल मंदिर को। तो स्कूटी जो है यहाँ पे लगा दी है और अगरबत्ती भी ले लिया। मंदिर में पहुँचते ही हमारे सेवा करने के लिए यहाँ पे बंदर, मतलब स्वागत करने के लिए। तो हाँ, मैं मंदिर इसलिए आया था कल, क्योंकि मैं कल आ नहीं पाया, बस मेरे को कोई काटे ना इनमें से। तो हाँ, मैं मंदिर आया इसलिए था क्योंकि मैं कल नहीं आ पाया। ऐसा नहीं कि मैं कुछ मांगने के लिए आया, ये जैसे कि नागमल जो हमारे ऋषि देवता है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। नई साल की शुरुआत कुछ अच्छे से, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वैसे वरना तो दिन जो है नॉर्मली जाता है। तो ये इंट्रेंस पर भी गुरु जी, यहाँ कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस दर्शन के लिए, क्योंकि नई साल की जो शुरुआत है कुछ अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो नया साल तो हिंदू धर्म के अनुसार अभी नहीं होता, बट अब इसको भी मानते आए हैं, तो मानते क्या, इसी हिसाब से चलते हैं, तो हिसाब से कर रहे हैं। तो दर्शन तो कर लिए हैं, तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम भगवान को मानते हो तो यहाँ आके मतलब मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुमने भगवान को मानते हो ना, तुमने भगवान को देखा है कभी? नहीं ना, मतलब मानते तो हो ना, तो हिसाब से अगर भगवान को देखा नहीं है कभी, तो अगर मानते हो, तुम्हें पता है कि वो हैं, तो मतलब उन्हें मांगने की ज़रूरत क्या है? वो तो तुम्हारे मन की भी जानेंगे ना। तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ही यहाँ एक ही शब्द के कितने मतलब निकल जाते हैं, उसी तरीके से सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है। तो मैं तो बस कभी भी ऐसे तो मांगा नहीं है मैंने कुछ कभी खास। हाँ, लोग उस लेवल पे आके मांगते हैं जब कुछ रास्ता नहीं दिखता, मेरा तो यही मानना है। बाकी मुझे लगता है कि जो है कर्म तो खुद ही करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसे अपना अपना क्या कहते हैं, जैसे लोग मांगते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाए, अब कर्म तो खुद ही करना पड़ता है, खुद ही करना है, मतलब जो भगवान चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, जैसे एक बात मैं बताता हूँ, भगवान कहते हैं कि जो तू चाहता है वो तू करता है, मगर होगा वही जो मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यानी कि अगर हम किसी मतलब जितना मतलब वैसे सबका अपना अपना वो हो सकता है इस पॉइंट इस लाइन पे, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे हम कोई कर्म करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, अगर उसको मतलब एक अच्छे तरीके से ना कर सकें,
अच्छे तरीके से ना करें, कि ऐसे करें कि मतलब खाली टेम्परेली काम करते हैं, उस काम को सच्ची भावना से ना करें, गलत इरादे से करें, तो वो चीज़ जो नहीं है। भगवान चाहते क्या? भगवान चाहते तो ये नहीं कि हम अच्छे जो काम करें अच्छे तरीके से करें, सच्ची मतलब सच्चे इरादों के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ करें, तो भगवान चाहते ही नहीं। तो फिर अगर हम किसी काम को करेंगे अच्छे कर्म से करेंगे, अच्छी भावना से करेंगे, तो वो होगा। भगवान तो तभी होगा जो हम चाहते हैं, वो तभी तो भगवान कहते हैं जो मैं चाहता हूँ वो तू कर, फिर होगा वही जो तू चाहते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो भगवान भी क्यों देंगे साथ। तो आई थिंक हमारे अच्छे कर्म ही हमें आगे लेके जा सकते हैं, अगर अच्छे इरादे से करें तो। वैसे मैं कोई ज्ञान ज्ञान तो पेलना नहीं चाहता हूँ, बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं कहना चाह रहा था। बाकी सबके अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। तो मंदिर से तो आ गए हैं, तो ये देखिए मेरे को देना है आज ये स्केच, जो कि मैंने अभी उसके भाई से भी बोला भी नहीं, मेरे को ये स्केच आज हैंड ओवर करना है, जिसको मतलब काफ़ी मतलब 1 साल तो हो गया है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट स्केच जो बनाई थी, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मतलब मेरे दोस्त है, उसी टाइम पे इसका नवंबर के टाइम पे, नवंबर स्टार्टिंग में, उसी टाइम पे इसने मेरे को बोला था कि बना देना, उस टाइम पे इसने मेरे को बोला था कि मेरी भी स्केच बना देना। मतलब जब मैंने वो स्केच अपनी स्ट्रेस पे लगाई थी, एक जो जेन्युइन रिप्लाई होता है ना इसका आया था, और इसने बोला भी था मतलब इतने प्यार से, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। बट इसको हो चुका है 1 साल, 1 साल से भी दिया नहीं है, और बनाने में मेरे को 5-6 महीने बाद तो मैंने इसको बनाया होगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट, और देने में भी 1 साल, 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल 2 महीने हो गए शायद। तो हम इतना आलस, इतनी बेशर्मी को अब हम नहीं झेल सकते हैं, तो आज मैं इसको देने की सोच रहा हूँ। अभी मैंने उससे बात तो नहीं की, इसके भाई को देना है वैसे, तो हाँ अभी मैं उसको कॉल करूँगा, पूछूँगा तो ये दूँगा फिर। और हाँ एक बात और, वीडियो को एंड तक देखना, मतलब वीडियो में ऐसा कुछ है इंटरेस्टिंग जो कि किसी के लिए हो सकता है फ़ायदेमंद, तो वीडियो को मतलब अभी बताऊंगा मैं आगे, जो कि मैं थोड़ा सस्पेंस तो रहना चाहिए ना, तो हाँ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, वो पार्ट में कहीं पे भी बोल सकता हूँ वो चीज़, मतलब एक चीज़ सरप्राइज है। तो हाँ तो मैं इसको एक बार कॉल कर लेता हूँ। बाय द वे मैंने ये जो है फाइल वाले पेज होता है उसे भी बना रखा, क्योंकि मेरे पास वो वाले पेज नहीं है और यहाँ मिलते भी नहीं है, मैंने पता किया था वो मिले नहीं, तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसी पर बना दिया, और ये मेरे से उतना अच्छा बना नहीं है, बट जैसा भी होता है मेरे से बना लिया था मैंने ऐसी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कैसा हुआ है। तो अभी मैं मार्केट को जा ही रहा था कि मेरे को एक मिल गया लड़का, चलो तो मेरा साथ तो हो गया टाइम पास करने के लिए, बोलने के लिए, वरना बोरिंग हो जाता है मैं मार्केट पहुँचने तक। तभी यहाँ पे बघार में आ गया हूँ, मेरे साथ कोई आया था जो उसका यहीं तक क्रिकेट खेलना है, मतलब उनका क्रिकेट मैच है, हमारा भी होगा शायद, हाँ इस बार मैं भी होऊंगा शायद टीम में, पिछली बार तो नहीं था। और ये यहाँ भगौरा का फील्ड, मेरे को क्या, मेरे को तो कंटेंट निकालना है। तो अभी मैं लोकेशन पे तो पहुँच गया, क्योंकि वो जो है मार्केट नहीं आया था, तो उनका घर थोड़ा सा नीचे पड़ता है, नहीं दूसरे रोड में, तो मैंने कहा यहीं तक आ देता हूँ, क्योंकि मेरे को पहुँचाना था यार, काफ़ी टाइम से बोझ हो रहा था। तो मैंने इसको तो दे दिया है, बट मैं इसका रिएक्शन नोट करना चाहता था, बट कुछ खास रिएक्शन है ही नहीं, थोड़ा शाई पर्सन था वो। तो हाँ स्केच तो मैंने उसको डिलीवर कर दिया, होम डिलीवरी करके आया हूँ अभी, तो हाँ उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया उसके भाई को, और थोड़ा सा मैं उससे रिएक्शन लेना चाह रहा था कि कैसा हो रहा है, बट वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं, थोड़ा शाई टाइप का था। और हाँ तो मैं जो कह रहा था कि कुछ स्पेशल वीडियो में कुछ सरप्राइज़ हो सकता है, तो मैं कह रहा था कि जो भी वीडियो में फर्स्ट कमेंट करेगा कोई भी मतलब, तो मैं उसकी स्केच बनाऊंगा, अगर वो इंटरेस्टेड है तो, जिसका भी अभी तक शायद किसी ने कर भी दिया होगा कमेंट, अगर जिसका भी आया होगा मैं उसकी स्केच बनाऊंगा। तो हाँ वो कोई भी हो सकता है, शायद किसी ने अभी तक कमेंट कर भी दिया होगा, और मैं इंस्टाग्राम के थ्रू करूंगा, क्या पता कोई मेरे दोस्त ही हो सकते हैं या कोई भी। तो हाँ तो जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं किया तो अभी तक किसी ने। मैं गया हुआ था अंदर स्कूटी लेने, उसने कहा, उन्होंने कहा कि हेलमेट जो है स्कूटी में डाल दो, मैं आया यहाँ से, मैं इस स्कूटी को खोलने में लगा था दिमाग इसको, मैं कह रहा अभी ये मतलब चेंज कैसे होगा, फिर देखा बगल में वाली स्कूटी, समटाइम्स योर माइंड वॉज नॉट वर्किंग करेक्टली।